मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, वेलकम टू क्लास 8th. इन प्रीवियस टॉपिक वी रीड अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, क्लीनिंग एंड एनवायरमेंट, वैक्सीन, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. टुडे आई विल टीच यू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन. ओके चिल्ड्रेंस, लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमन्स, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोर इन टेबल 2.1. यहाँ पर हम कुछ ऐसी डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन्स में होती हैं, जो अफेक्ट करती हैं ह्यूमन को, ठीक है, और वो कैसे फैलती हैं और उसको रोकने के क्या मेथड्स हैं. ओके, उसको प्रिवेंशन के क्या मेथड है. तो टेबल 2.1 आप देखिए, इसमें दिया हुआ है ह्यूमन डिजीज़, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन मीजर्स. जैसे ट्यूबरकुलोसिस दिया है, ये कौन सा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एयर के थ्रू फैलती है. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम डोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है. ओके, तो मीजल्स जो है वो वायरल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स भी आपकी वायरल डिजीज़ है, पोलियो भी आपकी वायरल है. फिर सेकेंड आप देखेंगे कॉलरा एंड टाइफाइड, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है. फिर हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरल डिजीज़ है और ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिशन इसका होता है. मलेरिया, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है. मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है. ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. कौन सी ऐसे एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं एनिमल्स में. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स. सेवरल यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर जो कि ह्यूमन्स और प्लांट्स में डिजीजेज उत्पन्न नहीं करते हैं, बट आल्सो इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स पे भी डिजीज़ को कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल, एंथ्रैक्स इज़ ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कज्ड बाय ए बैक्टीरियम. जैसे एक डिजीज़ है एंथ्रैक्स, ये एक डेंजरस डिजीज़ है जो कि ह्यूमंस और कैटल्स में होती है और ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है. फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज़ कज्ड बाय ए वायरस. और कैटल यानी गाय के जो माउथ और फूड से जो डिजीज़ होती है वो वायरल के थ्रू होती है, ठीक है. मतलब गाय के जो माउथ में या फूड में जो डिजीज़ होती है वो वायरस के थ्रू होती है. सेकंड हमारा टॉपिक है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. मतलब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो प्लांट्स में किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स. द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. ये जो डिजीजेस हैं ये हमारे क्रॉप्स की पैदावार उसको रोक देती हैं. सी टेबल 2.4 सम सच प्लांट डिजीजेस. जैसे आप टेबल 2.2 में देखेंगे कुछ आपको डिजीज प्लांट्स में जो होती हैं वो आपको दिखाई गई हैं. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स. जिसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं जो कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं. जैसे आप टेबल 2.5 में देखेंगे सिट्रस कैंकर, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिशन इसका होता है. रस्ट ऑफ वीट, ये फंगस डिजीज़ है, ये भी एयर और सीड्स के
थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, ये भी वायरल डिजीज है और ये इंसेक्ट के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग अक्सर लोगों, बच्चों आपने देखा होगा, अक्सर लोगों को हो जाती है फूड पॉइजनिंग। तो भूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू ए पार्टी एंड ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट हिज कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। भूजो अपने फ्रेंड को एक पार्टी में इनवाइट करता है और वहाँ उसने बहुत सी वैरायटी के फूड खाता है, ठीक है, जो उसका फ्रेंड है वो बहुत सारी वैरायटी फूड की होती है जिसको वो खाता है। जब वो घर पे पहुँचता है तो उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये जो इसकी कंडीशन हुई है ये किसके थ्रू हुई, फूड पॉइजनिंग, ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग के कारण इसकी कंडीशन ऐसी हो गई, इसको वॉमिटिंग हो रही है, ओके। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहली को ये आश्चर्य होता है, ये वंडर इसको आश्चर्य होता है कि फूड के थ्रू कैसे, क्या फूड पॉइजन होता है, कैसे फूड पॉइजन बन जाता है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग जो होती है तो फूड के ख़राब होने से होती है, ठीक है, फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फूड पर हमारे ग्रो करते हैं और कभी कभी ये उसको एकदम टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं, जहरीला। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। इससे क्या होता है, जब फूड हमारा पूरा पॉइजन बन जाता है, फिर फूड को जब हम लेते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, उसको खाने से हम बहुत बीमार हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डेथ हो जाती है। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बींग स्पॉयल्ड। तो इसलिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे उसको स्पॉयल्ड होने से प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन। फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। इन चैप्टर वन वी हैव लर्न्ड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर वन में हमने पढ़ा था कि किस मेथड के थ्रू हम फूड को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। हम कैसे पके हुए खाने को अपने घर में सेफ कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेड देखते हो उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फंगस अटैक कर देते हैं जिससे वो अनयूज हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल अवर फूड। स्पॉयल्ड फूड इमिट बैड स्मेल एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। इज स्पॉयलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और ख़राब होने पे क्या होता है कि हमारे फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसमें अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो फूड का स्पॉयलिंग होना ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। पहली पॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉयल्ड एंड रॉटन बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। शी इज़ कन्फ्यूज। पहली मार्केट से कुछ मैंगोज खरीदती है, ठीक है, बॉट करती है, लेकिन कुछ दिनों तक वो मैंगोज को खाती नहीं है। बाद में वो क्या देखती है कि वो मैंगो उसके स्पॉयल्ड हो गए, ख़राब हो गए, सड़ गए। लेकिन वो ये सोचती है कि इसी मैंगो से जब उसकी ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी अचार बनाती हैं तो वो आम क्यों नहीं ख़राब होते। तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि ये आम कुछ दिन रखे थे तो मैंने नहीं खाए तो ये ख़राब हो गए, लेकिन जब इसकी ग्रैंड मदर इसी का अचार बनाती हैं तो ये आम क्यों नहीं ख़राब होते। तो वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। ओके चिल्ड्रंस, यू अंडरस्टैंड, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू।
नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेंस.